नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। इंटर रिलीजियस फोरम फॉर पीस एंड हारमोनी कलबुर्गी की जानिब से दावत इफ्तार व डिनर का इनेकाद मदर ट्रेसा हॉल सेंट मेरीज चर्च गुलबर्गा में किया गया। इस तकरीब में कांग्रेस यूथ कायद संतोष बिलगुंदी, जेडीएस कायद कृष्णा रेड्डी, बीजेपी अकलियती कायद अब्दुल रब, अब्दुल जब्बार गोला सीनियर एडवोकेट सैयद नजीरुद्दीन मुतवल्ली एजाजी सदर सरकारी मुस्लिम एम्प्लॉज एसोसिएशन गुलबर्गा, अब्दुल वहाब सदर सरकारी मुस्लिम एम्प्लॉज एसोसिएशन, अलहाज मोहम्मद मुजीब अली खान के अलावा हिंदू मुस्लिम तमाम मजाहिब के अफराद ने शिरकत की। इस तकरीब की सदारत डॉक्टर रॉबर्ट माइकल मिरांडा बिशप ऑफ गुलबर्गा ने की और चीफ गेस्ट की हैसियत से डॉक्टर प्रताप सिंह तिवारी, शहर के मारूफ डॉक्टर असलम सईद, डॉक्टर शंभुलिंग एस वानी एसोसिएट प्रोफेसर, हसीबुर रहमान नोमान इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर प्रोफेसर संजय माकाल, गुरमीत सिंह सलूजा ने शिरकत की। काजी रिजवानुर रहमान सिद्दीकी, मस्तान बिरादर सोशल वर्कर मोहम्मद इकबाल अली इंडिया बैतुलमाल, लक्ष्मीकांत हुबली और फोरम के दीगर अरकान ने मेहमानान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि आज मुल्क के जो हालात हैं इनको देखा जाए तो मुल्क को टुकड़ों में बांटने और एक दूसरे के बीच मजहब के नाम पर नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और अपनी गंदी सियासत के लिए एक दूसरे को लड़ाने और परेशान करने के नाकाम कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारा शहर गुलबर्गा सदियों से गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे का गहवारा रहा है और रहेगा। कोई भी हमें बांटने की कोशिश करे, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर डट कर सामना करेंगे और हमारे शहर गुलबर्गा की इस कदीम रिवायत को हमेशा बरकरार रखेंगे। इस तरह की मजीद खबरों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए जी मीडिया गुलबर्गा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारी परंपरा है हिंदुस्तान की कि सारे रिलीजन्स को हिंदुस्तान ने अपने अंदर एकोमोडेट किया है और इसकी खूबसूरती ये है कि हर रिलीजन आपस में मोहब्बत करना सिखाता है। चंद आज के हालात चंद लोगों की वजह से ख़राब होकर के आपस में नफ़रतें फैलाने की चंद लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी जबानों को छोटी रखो और दिल को बड़ा रखो। इंटर रिलीजियस फोरम पीस एंड हारमोनी बैनर के तले एक इफ्तारी पार्टी की दावत में शिरकत करने के लिए, जो कि एक आम जनता में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये जो भाईचारा जो गंगा जमनी तहजीब है ये आपस में बनी रहे और कायम रहे। आज के जो देश के हालात हैं उन हालातों को अगर देखें तो देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश की जा रही है। उन टुकड़ों से बचाने के लिए पीस ऑफ हारमोनी जो इंटर रिलीजियस फोरम है, ये हमने आज से कई साल पूर्व इसको शुरू किया था फादर मिरांडा के अध्यक्षता में, जिसमें कि मैं भी हूँ, हमारे इकबाल साहब हैं, रिजवान भाई हैं, संजय माकन हैं, लक्ष्मीकांत हैं और अन्य कई हमारे साथी जो हैं, जो कि मिलकर इस मंच के द्वारा एक पब्लिक में पुरजोर कोशिश ये रहती है ये मैसेज देने की कि हम आपस में प्यार और मोहब्बत से रहे, जो कि हमारे देवी ई दिवस नानु रमजान हब्बद ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ಸೌಹಾರ್ದ ವೇದಿಕೆ ಇದರ ಪರವಾಗಿ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಒಂದು ಗಂಡಾಂತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ
वातावरण शांतियुतवी सतोष भरत अंत नानु कोरते मुस्लिम समुदाय एरडु मुख्य सूत्र नान तिळ्कोंड प्रकार पीस आंड ब्रदरहुड अवरु कळेद ओंदु तिंगळिंद उपवास प्रार्थने माडि ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಊಟ ಅಥವಾ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಬಯಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೊರತೆಗಳಿವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಪದ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಉಪವಾಸ ಕೊನೆಗೊಂಡಂತೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವರ್ಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್ may be feeling good those who perpetrate kind of evil but then people all around in our country and many other countries around watch us and what a country it was a country of Bapuji a country of Rabindranath Tagore a country of all the religious leaders like Buddha Mahavir and Guru Nanak ji and many others people who started the religion and flourished here but today one against the other this is a very sad situation and I request all of you to stand for truth for brotherhood for love for caring for everyone especially those who are despised those who are doubted unless we reach out from the majority community to the minorities there cannot be peace we may think we have conquered just now my brother Gurmeet Singh ji was speaking about Jesus I remember this incident very specially when I think about it you see Jesus died on the cross and many people thought that's their victory but that was not their victory it was a shameful thing that they did they killed the prince of peace today this message of Christ good news reaches out to everyone even to the enemies which means we shouldn't have anyone as enemies we are all friends we are all brothers and sisters that's the nature that's the country we are living in from thousands of years and we should promote this every one of us those who think about goodness of others religion is never to take revenge religion is never to punish others religion is never to frighten others religion is never to inflict any kind of pain on others rather build humanity and love and on this occasion we the forum members we stand for these values that we will propagate faith the peace of the communities equality of all religions and that we all live together as brothers and sisters we stand for this and we are happy to be living for this and even to die for this May God bless you all. Thank you. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Namaskar. Aaj St. Mary School ke andar church ke andar peace and harmony ka jo aaj unke team ke taraf se jo yahan pe iftar party jo arrange ki hai aaj pure community ke log yahan pe maujood the हमारे बीच यहाँ के फादर अपने पाजी हैं और हमारे भाई पूरे लोग यहाँ पे आज एक आवाम को एक मैसेज देना है कि गुलबर्गे के अंदर कोई जात नहीं कोई पात नहीं पूरे लोग हम एक है बोल के आज बताना साबित करना था आज पूरे तमाम मजहब के लोग यहाँ पे हमारे बीच बैठे हैं आज हमारे बीच जो कम्युनल फोर्सेस जो आके हिंदुस्तान के अंदर नए नए जो नए नए कानून लेके आ रहे हैं तो आज हमारे मुसलमान भाइयों के लिए जो रमज़ान 23वां रोज़ा आज जो एकदम पीस से और एकदम शांति से आज 23वां रोज़ा हम लोग ख़त्म करें अब कल हमको 24वां रोज़ा स्टार्ट होता है
अभी 6-7 रोजे आराम से जिस तरह ही जाएंगे और हमारे बीच कोई कम्युनल फोर्सेस कितने भी ताकत लगाए तो हम लोग पूरे एक होंगे। यहाँ पे गुलबर्गे के पूरे मुसलमान भाई और हिंदू भाई पूरे भाई भाई एक है बोल के आज हम साबित करें। और आने वाले दिनों में 4-8 दिन के अंदर रमज़ान भी आ रहा है, हम लोग मुसलमान भाइयों के साथ हम भी साथ उनके साथ ईद मनाएंगे।